नमस्कार, स्पीड न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी का जयपुर दौरा, आरआईसी में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। अमित शाह भी रहे मौजूद, देश के आला पुलिस अधिकारियों के साथ किया संवाद। सीएम भजनलाल शर्मा ने फिर की स्वस्थ परंपरा की शुरुआत। स्पीकर से मिलने विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री। पिछले कुछ सालों से परंपरा लगभग हो चुकी थी समाप्त, स्पीकर ही जाते थे मुख्यमंत्री से मिलने। राजस्थान विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू, 19 जनवरी से शुरू हो रहा आगाज होगा विधानसभा सत्र का। स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच हुई चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा रहे मौजूद। मंत्रियों ने सचिवालय में किया पदभार ग्रहण। किरोड़ीलाल मीणा, सुमित गोदारा, विजय सिंह और गजेंद्र सिंह खीमसर ने संभाला कार्यभार। कहा केंद्र और राज्य की योजनाओं का ग्रामीणों को मिलना चाहिए फायदा। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पुरानी योजना में बदलाव, अब मिलेगा पहले से अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन। थाली में 100 ग्राम मोटा अनाज या चावल भी परोसा जाएगा, स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया आदेश। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ली वित्त विभाग की बैठक, अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को राहत, कल होने वाली भर्ती परीक्षाओं के परीक्षार्थी कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा, परीक्षा के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक ले सकेंगे लाभ। प्रदेश में भजनलाल सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 72 आईएएस अफसरों के तबादले, 33 जिलों के बदले कलेक्टर, तो 121 आरएएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर, डीओपी ने जारी किया आदेश। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी, माउंट आबू में पारा माइनस में, 8 जनवरी को मौसम में बदलाव की संभावना। अलवर विहार थाना क्षेत्र परशुराम सर्किल स्थित गुर्जर छात्रावास और राजपूत छात्रावास के छात्रों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद जमकर पथराव हुआ, दोनों हॉस्टल के छात्रों ने एक दूसरे पर पथराव किया। अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र काली मोरी के पास बदमाशों द्वारा महिला से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। ऐसे में पीड़ित महिला ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र घेघोली गांव में एक खेत में बने गड्ढे में अचानक ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर में बैठे व्यक्ति की मौत हो गई। इस सूचना पर संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर के महाप्रबंधक अजिताभ एक दिवसीय पोकरण दौरे पर रहे। पोकरण प्रवास के दौरान महाप्रबंधक ने पोकरण रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर द्वारा स्नातक की फीस में बढ़ोतरी को लेकर राजाखेड़ा के मरेना में संचालित कॉलेज की छात्राओं में आक्रोश है। धौलपुर स्टेट हाईवे पर मरेना पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन छात्राओं ने किया। अलवर एनईबी थाना पुलिस ने नर्सिंग मेडिकल की डिग्री दिलाने और सोने के आभूषण सहित 1.5 लाख रुपए हड़पने सहित पीड़िता से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी असलम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का 2 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है, जिसको सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर से खबर, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि माकपा से निष्कासित, माकपा तहसील कमेटी की बैठक में लिया गया बड़ा निर्णय। भवानी मंडी पुलिस ने चोरी, नकबजनी, अवैध शराब और अवैध धारदार हथियार रखने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर 10 अपराधियों को पकड़ा है। उनके पास से 4 धारदार गुर्रे, 29 लीटर हथकर शराब जब्त की है। धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी रोड पर कोर्ट और न्यायिक क्षेत्र के विभिन्न कार्य से जुड़े डीड्राइटर, स्टाम्प वेंडर, नक्शा नवीस एवं मुंशी संघ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह ACJM फर्स्ट रणवीर सिंह के मुख्य आतिथ्य में किया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बाड़ी से बसपा से विधायक बने जसवंत गुर्जर जीत के एक महीने बाद बाड़ी कस्बे के लोगों को धन्यवाद देने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माता राज्य राजेश्वरी मंदिर पहुंचकर ढोक लगाई और एक रैली का आयोजन भी किया। रामनगर के पास हाईवे रोड पर पैदल जा रहे युवक को एक ट्रक ने कुचल दिया, युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। गांव में बना गम का माहौल। जयपुर ग्रामीण जिले के उपखंड जमवा रामगढ़ की गांवली ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन हुआ। विधायक महेंद्र पाल मीणा ने किया निरीक्षण, कैंप में विधायक महेंद्र पाल मीणा का अभिनंदन किया गया। शाहपुरा जिला कलेक्टर के निर्देश पर शनिवार को रसद विभाग ने निकटवर्ती गणेशपुरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजल और पेट्रोल का अवैध भंडारण पकड़ा है। भारी मात्रा में डीजल एवं पेट्रोल को जब्त किया गया। सावर थाना क्षेत्र के मालियों का नया गांव में खेत पर फसल की पिलाई के लिए विद्युत मोटर चलाते समय पैर फिसलने से
कुएं में गिरने से किसान की मौत हो गई। सूचना मिलने पर सावर थाना पुलिस के दीवान प्रताप सिंह मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जयपुर ग्रामीण जिला जमवा रामगढ़ की आंधी थाना पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को देशी शराब के 136 पावों के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरदयाल मीणा ने जानकारी दी है। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में इन दिनों नहर से पाइप लगाकर पानी चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। किसान नहरों से रात को पाइप लगाकर पानी चोरी कर रहे हैं। सांगानेर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ जयपुर की प्रेरणा से दादू दयाल नगर सेंट्रल पार्क में सफाई की गई है। वार्ड संयोजक जीतू और मुकेश भारद्वाज सहित लोगों ने मिलकर संकल्प लिया और समूह बनाकर अलग अलग जगह वार्ड में सफाई करेंगे। महाभारत कालीन पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर पर स्थित श्रीजी महाराज मंदिर में 20 दिन से चल रहे राम जानकी विवाह महोत्सव का कल मार्मिक विदाई के मंगल गीतों से समापन हुआ। विधि विधान भगवान राम जानकी का दूल्हा दुल्हन के रूप में भव्य श्रृंगार किया गया। जयपुर के सांगानेर में प्रताप नगर सेक्टर 7 में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने अयोध्या से आए अक्षत घर घर जाकर दिए हैं। बोहरा ने कहा कि 22 जनवरी को अपने घर में दीपक जलाने भगवान राम की पूजा करने का आग्रह किया। कस्बे में जोहड़ वाले मंदिर में से देर रात अज्ञात चोर गाय चोरी कर ले गए, जिससे कस्बे के लोगों में काफी गुस्सा है। कस्बे के नूह रोड पर स्थित जोहड़ वाले नरसिंह दास आश्रम मंदिर से रात को चोरों ने दो गायों को चोरी कर लिया। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा भारत की ओर से 9वें उत्तरायणी कौतिक समारोह का जयपुर में आयोजन किया जाएगा। दो दिवसीय कार्यक्रम 6 और 7 जनवरी को जानकी पैराडाइज वैशाली नगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहेंगे। झुंझुनू में कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर में खुदरा उर्वरक विक्रेता प्रशिक्षण समारोह 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर बचनेश अग्रवाल ने शिविर का शुभारंभ किया। गुड़ागौड़जी थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में एक सूने मकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने सामान चुरा लिया। वार्ड 6 के रहने वाले सुरेंद्र कुमार वर्मा अपने परिवार के साथ ऑपरेशन करवाने के लिए पिछले 10 से 11 दिनों से जयपुर गए हुए थे। चित्रकूट 9 दिवसीय अमृत महोत्सव में दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे अयोध्या। कार्यक्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल। राज्यपाल और एक दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। अक्षत कलश का शेरगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारी गांव ढाणी जाकर दे रहे हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में निमंत्रण देने के लिए अयोध्या धाम से पूजित अक्षत आए हैं। वहीं अक्षत वितरण और आमंत्रण पत्र के वितरण के कार्य को लेकर पलसुंड के कजोई, भुर्जगढ़, खुमानसर, फुलासर, नेतासर, मानासर सहित गांव ढाणियों में कार्यकर्ता घर घर जाकर अक्षत वितरित कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का समदड़ी में आगाज। समदड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत समदड़ी और समदड़ी स्टेशन में आयोजित हुआ शिविर विकसित भारत बनाने के संकल्प की ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई। पाली में रहने वाले 3 वर्षीय माही प्रताप ने खेलते वक्त सिक्के के आकार का सेल निगल लिया, जिससे बच्चा पेट में दर्द से परेशान था। डॉक्टर की टीम का परिजनों ने आभार व्यक्त किया। पाली की इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में एक घर में कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए कमरे में जलाई गई अंगीठी से धुएं से मां बेटी अचेत हो गए, जिन्हें बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने देर रात शीतलहर के चलते सिटी राउंड कर नगर परिषद द्वारा संचालित आश्रय स्थलों का औचक निरीक्षण किया, तो वहीं फुटपाथ पर सो रहे लोगों से भी मुलाकात कर उन्हें रैन बसेरों में जाने को कहा। पाली के बाली में फालना रेलवे स्टेशन पर एक महिला रेलवे पटरी को पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ जाने से महिला घायल हो गई। आरपीएफ पुलिस के कन्हैयालाल मीणा और फालना चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन। पाली के खिवाड़ा कस्बे में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर की शुरुआत एसडीएम एवं तहसीलदार की उपस्थिति में आयोजित किया गया शिविर। सायला उपखंड के जालमपुरा और तालियाना ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम तहसीलदार हीर सिंह चारण, प्रधान ढोमी देवी राजपुरोहित, सरपंच लीलाराम चौधरी हस्तीमल और भाजपा के भवानी सिंह देता की उपस्थिति में आयोजित हुआ। सावर कस्बे सहित क्षेत्र में बीते दिनों
से ही हुई हल्की बूंदाबांदी के साथ ही दिनभर घना कोहरा छाया रहा। बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश के चलते सर्दी भी बढ़ी है। लोग सर्दी से बचने के लिए सर्दी के गर्म कपड़ों सहित अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। डीडवाना में कोहरे के साथ चल रही है शीतलहर। नगर परिषद कुचामन सिटी ने खुले में सो रहे लोगों को दिया है रैन बसेरे का आश्रय ताकि उन्हें इस शीतलहर से बचाया जा सके। नागौर के लांडू में पालिका अध्यक्ष रावत खान ने सर्दी को देखते हुए रात 10 बजे हॉस्पिटल का दौरा किया। उन्होंने कर्मचारियों को कहा है कि रैन बसेरे में आए हुए व्यक्ति की कोई समस्या नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखें। तहसीलदार लाडनू डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर के निर्देश पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में गठित राजस्व टीम एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर मुमकिन रास्ता खुलवाया गया। रास्ते खुलवाने पर आसपास के 50 खेतों में आवागमन सुगम हुआ। ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने एक्टिवा चोरी प्रकरण में आरोपी सोहेल खान को केंद्रीय कारागृह अजमेर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर नगर परिषद में एक बैठक का आयोजन किया गया। नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया की उपस्थिति में आयोजित बैठक में परिषद कर्मचारियों के साथ साथ श्रीमद भागवत प्रभात फेरी परिवार के संजय घिया ने भी शिरकत की। ब्यावर में पुरानी सड़कों को खोदे बिना ही नई सड़क का निर्माण करने के प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी के एक शिष्टमंडल ने जिला अतिरिक्त कलेक्टर बजरंग सिंह चौहान से मुलाकात की है। पार्टी पदाधिकारी नीलेश बुरड़ के सानिध्य में एडीएम चौहान से मुलाकात की गई है। ब्यावर के निमाज थाना क्षेत्र के मोहराई गांव में दो सगे भाइयों में पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर लकड़ी से हमला कर दिया, घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। आगे बढ़ेंगे खबरों में। ब्यावर में स्थानीय श्री राम रामायण मंडल के सानिध्य में मलमास के मौके पर अखंड रामचरितमानस का दो दिवसीय पाठ का आयोजन हुआ। राधा कुंज गार्डन में पाली जिले के फुलाद आश्रम के संत कानदास महाराज के सानिध्य में और आचार्य लीलाधर झा द्वारा श्री गणपति पूजन रामचरितमानस सहित सभी देवी देवताओं के आवाहन के साथ शुभारंभ हुआ। प्रसंग के दौरान सीता स्वयंवर पर भी विशेष झांकी सजाई गई। डीडवाना शहर के श्रीराम कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा, कथा में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कुचामन सिटी स्टेशन के मध्य दोहरीकरण कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित, रेल सेवाएं आंशिक रद्द, कुछ सेवाओं का मार्ग परिवर्तित होगा। नागौर की मेड़ता सिटी में निकटवर्ती ग्राम सातलावास में स्थित शनिधाम में आज शनिवार को दिनभर भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। रामप्रसाद जाकर रैन सहित अनेक श्रद्धालुओं ने मंगल कामना कर मन्नत मांगी। झालावाड़ के झालरापाटन क्षेत्र में रायपुर रोड पर बीती रात गौ तस्करों का पीछा कर रहे गौपुत्र सेना जिलाध्यक्ष विनीत पोरवाल के साथ तस्करों ने वाहन से टक्कर मारकर फरार हो गए। इस दौरान एक पैर में फ्रैक्चर है, वहीं शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। झालावाड़ जिले में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में देर रात बदमाशों ने सारोला थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में आतंक मचाते हुए घर में घुसकर लूटपाट की वारदात की। राजसमंद के कुवारिया थाना क्षेत्र के देवली में इन दिनों रात के समय चोरों का आतंक बना हुआ है, जिसे ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीणों ने पुलिस से रात के समय गश्त लगवाने की मांग की है। राजसमंद में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। इसी कड़ी में देवगढ़ में करियर महिला मंडल के माध्यम से सैकड़ों युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया। प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त 7 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रतापगढ़ आगमन पर गौतम दत्त का भाजपा और विभिन्न संगठनों की ओर से जोरदार स्वागत किया जाएगा। प्रतापगढ़ में 20 दिन पहले हुई फायरिंग के एक मामले में पुलिस ने फरार चल रहे दूसरे आरोपी को भी आज गिरफ्तार कर लिया। आर्म्स एक्ट के तहत इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। डूंगरपुर में कृषि उपज मंडी डूंगरपुर के आम चुनाव आज परिसर में सभी सदस्यों की उपस्थिति में हुए। कृषि उपज मंडी के पंजीकृत सदस्यों ने सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया। सूबे में मंत्रिमंडल गठन के बाद देर रात किए गए विभागों के बंटवारे के बाद देर रात किए गए प्रशासनिक फेरबदल में डूंगरपुर जिला कलेक्टर सहित दो आरएएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए हैं। करौली के कलेक्टर अंकित सिंह को आदिवासी अंचल डूंगरपुर जिले के बतौर 66वें कलेक्टर के रूप में कमान सौंपी गई है।
श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह। अयोध्या से आए पूजित अक्षत एवं प्रभु श्री राम का चित्र राम भक्तों की टोलियां द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। टोडा भीम से नादोती उपखंड के रावताड़ा मोड़ के पास स्कूली बस ने बाइक सवार तीन छात्रों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने से दो छात्रों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है जिसे चिकित्सकों ने जयपुर रेफर किया। धौलपुर के सरानीखेड़ा गांव में जलभराव और गंदगी को लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्दी इस समस्या से जिला प्रशासन ने उनको निजात नहीं दी तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। फरार एवं वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बौली थाना पुलिस एक्शन में है। बौली थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। गंगापुर सिटी के वजीरपुर तहसील के शयारोली सेवा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण करते हुए भरतपुर संभाग के संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, भारत सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल्स का निरीक्षण उन्होंने किया। प्रत्येक स्टॉल्स पर जाकर संबंधित विभागीय अधिकारियों से प्रगति का जायजा लिया। गांव नवा में 7 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बालक की मां की ओर से जंक्शन पुलिस थाने में 2 जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पर्वतसर पुलिस की संपत्ति संबंधी अपराधियों की रोकथाम को लेकर कार्रवाई। पर्वतसर में रात्रि को सुनार की दुकान में की गई नकबजनी में के प्रकरण में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी कुलदीप महेश और ओम सिंह को गिरफ्तार किया है। बारा में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन, जिला कलेक्टर ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। प्रदेश के 20 जिलों से 140 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शनिवार अल सुबह 4 बजे मुखबिर की सूचना पर रामगंज मंडी पुलिस ने सुकेत रोड पर गौवंश से लदे एक ट्रक का पीछा किया। तस्करों ने ट्रक से पुलिस गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद रामगंज मंडी पुलिस ने सुकेत पुलिस को सूचना दी। पिसांगन के रामपुरा डाबला रोड पर गणेश बगीची के पास पुलिया निर्माण कार्य लीपापोती की आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घटिया सामग्री और लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए कार्य को रुकवा दिया। प्रदेश में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद भीलवाड़ा के नए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शाम 6:30 बजे पदभार ग्रहण किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का पालना कर लागू कराना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। बाराकोट ने नाबालिग का अपहरण कर यौन शोषण के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 11 साल की नाबालिग का अपहरण और यौन शोषण के 2 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मूक, बधिर, विकलांग और तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।